पर बात करेंगे। गिरिराज सिंह साध्वी प्रज्ञा क्या भाषा है आतंकी आपने कहा है? हाँ, हमने कहा है कि एक बात आती है, हम लोग भाई बचपन में पढ़े हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। अगर इस भाषा को अगर हम सोचते हैं तो उसके आधार पर अगर प्रज्ञा ठाकुर बोलते हैं, गिरिराज सिंह बोलते हैं, दूसरे को हर्ट करता है, कोई कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे, कोई कहते हैं कुछ कर देंगे, तो हम समझते हैं इसको भाषाई आतंकवाद का संज्ञा दिया जा सकता है। और एक कोई कम हर्ट नहीं करता है, जो बाहर के जो लोग आतंकवादी होते हैं उससे कम हर्ट नहीं करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति अनेकों संस्कृतियों का है, अनेकों भाषाओं का है, अनेकों वेशभूषा का है। तो वैसी परिस्थिति में एकता रहनी चाहिए, सामंजस्य स्थापित होनी चाहिए, न कि कटुता। अगर कोई कटुता फैलाता है, कोई कहता है कि पाकिस्तान चल जाएगा, कोई कहता है कुछ करता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको हम आतंकवाद ही कहेंगे। इसलिए कर भी देते रहे हैं। अब देते रहे हैं तो अगर देते होंगे तो गलत है, हम उसको भी कभी नहीं कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमको नहीं है। केरल में बुर्का बैन कर दिया गया है। केरल में बुर्का बैन, देखिए अगर कोई हम खाते हैं क्या उसको बैन कर दिया जाएगा, क्या हम पहनते हैं उसको बैन किया जाएगा, क्या हम बोलते हैं उसको बैन किया जाएगा, ये भी गलत है। किसी का अपना भाषा, अपना वेशभूषा, अपना खान पान, अपना रहन सहन में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। 150 संस्थानों में बैन किया गया, क्या पूरे भारत में ये ट्रायल है क्या? अब इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि बैन नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना संस्कृति है, अपना वेशभूषा है, अपना रहन सहन है, यही भारत की संस्कृति है। अनेक प्रकार के फूल जब बाग में खिलते हैं उसी बाग को अच्छा कहा जाता है, तो हिंदुस्तान रूपी बाग में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। किसी को कमज़ोर और कम नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसको डेवलप करना होता है।